हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बढ़िया हैं। तो जी, आज है सोमवार का दिन और आज 20 तारीख है, आज मीहू का है रिजल्ट। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और बज रहे हैं 11। 10 बजे का टाइम था, 11 हो गया घर का काम करते करते, और बस निकलते हैं। आज हनी की भी छुट्टी है और मैं हो गई हूँ काफ़ी मोटी। आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, क्योंकि जो टैबलेट वगैरह जो दवाइयाँ चली थी ना, उसमें वो विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, ये वो, मतलब वो लोग उन दवाइयों से ना फैट हो जाता है और ना भूख लगती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी डाइट उस वजह से ज़्यादा बढ़ भी गई और दवाइयों का भी असर हो गया और मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ है ना। तो चलो फिर बाकी जो थोड़े बहुत काम हैं वो वहाँ से आके करूँगी। तो अभी निकलते हैं रिजल्ट देने के लिए और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मीहू भी रेडी हो गई है। मीहू ज़रा ये देखो, मीहू ने जो ड्रेस पहना है ना, दिखाना मीहू, इसको खोलो एक मिनट। ये देखो, ये वो वाला ड्रेस है मीहू का जो मैंने अभी आप वीडियो देखोगे ना, लास्ट वाली जो वीडियो है वो यही वाली ड्रेस बनाई है मैंने इसकी। ये देखिए, ये मैंने अपने सूट से बनाई है। मेरा एक सूट था, मुश्किल से मैंने ना उसे दो बार पहना था बस, तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे पे, काफ़ी मोटी लग रही थी मैं उसमें, इसलिए मैंने उसे रख दिया था। तो फाइनली वो मैंने बना दिया इसके लिए, तो अच्छा लग रहा है। बटन लगाओ बेटा इसके। ये ना मैंने कट स्लीव बनाया है इसलिए मैंने इसको ऊपर से ये पहना दिया है इसका कोट। चले चलो चलो, बहुत खुश हो रही है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। छोटे बच्चों को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। मैंने गलत कर दिया था, बार बार कह रही है मैंने ही गलत कर दिया था, मैंने ही गलत कर दिया था। मैंने कहा अब जो होना था वो तो हो गया, अब तो रिजल्ट भी रेडी हो गया, चलो चलते हैं। तो जी बस निकल पड़े हैं हम तीनों मीहू के स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए, और पास में स्कूल है आप लोग जानते ही हैं। तो बस यहाँ पर हम दोनों जाके बस आ गए हैं, और लास्ट डे हनी के पापा लेके आए थे बच्चों के लिए वाटरमेलन, तो वही मैं कट करके दे रही हूँ। बस वही है ना, थोड़ा सा डर लगता है वाटरमेलन देने में ना, इसके बाद बच्चे पानी ना पी ले, इसलिए मैंने इनको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि इसके बाद पानी मत पीना, क्योंकि होता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाती है इसके बाद, कुछ उल्टियाँ वगैरह ये सब होती हैं। तो बच्चों को मैंने अच्छे से समझा दिया था कि पानी मत पीना। तो जी बस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे रखी हुई है मेरे पास मलाई। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक ही जो मलाई होती है, इससे दो तरीके से जो घी है वो कैसे निकलता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसे फेंट के मक्खन निकालते हैं और उसके बाद उसको करके ना पका के घी निकाल लेते हैं। कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए किचन में, है ना, खाली इसके लिए खड़े क्या होना। तो बर्तन मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर, शेक में बहुत सारे बर्तन हैं। तो चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जी बस जैसे मैंने बताया है यहाँ पर कि जब तक ये पक रहा है तो साथ में मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ, और मैं बता रही थी कि एक ही मलाई से दो बार घी कैसे निकलता है आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पता है कैसे निकलता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मेरी इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सारी मलाई मैंने पकाने रख दी है, और साथ में ना नीचे की साइड ज़रूर चम्मच घुमाएं, क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोगों की जैसे जब वो घी बनाते हैं तो उनकी कढ़ाई पूरी जल चुकी होती है। तो अगर साथ के साथ इस तरीके से रब कर दिया जाए ना, नीचे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाए, तो कढ़ाई बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए अब घी निकलना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। पकते यहाँ पर देखिए पूरे दानेदार बन गया है जो भी मलाई है। तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं पकाऊंगी, कई लोग की मैंने देखा है कि काला हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल इसे मतलब इस स्टेज में इसे बंद कर दे जब ये लाइट ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जब ये नीचे का जल जाता है तो घी का टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है और बहुत जल्दी ख़राब होने का उसका डर भी रहता है। एक और तरीका है कि अगर आप घी को ज़्यादा टाइम तक चलाना चाहते हैं तो जब भी आप मलाई या मक्खन को जब पकाते हैं ना, तो उसमें दो तीन बूंद जो है नींबू के ज़रूर डाल ले, उससे घी ख़राब नहीं होता और दूध साफ़ हो जाता है, जो मलाई होती है वो सब साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ब्राउन होने पर मैंने गैस बंद कर दी है, और ये गर्म है इसीलिए मेरे पास जो स्टील की छन्नी है मैं उससे छानूंगी। अगर प्लास्टिक की छन्नी है आपके पास तो प्लीज़ इसे ठंडा होने दें और उसके बाद ही इसे छानें। तो ये देखिए आधा किलो से ज़्यादा ही है, ये डब्बा मेरा काफ़ी बड़ा है तो नीचे आया हुआ है, इसमें पौने किलो के आसपास ये घी निकल चुका है। अब बचा है ये इसकी जो खुरचन है, इसमें भी हम घी निकालेंगे दोबारा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक गिलास पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं गैस को ऑन कर दूंगी और इसे पकाएंगे दो तीन उबाल आने तक। इस तरीके से ये उबाल आ गया है, अब मैं गैस को
बंद कर दूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, एक दो उबाल तक ही पकाना है। तो वही वाला प्रोसेस करूंगी मैं, अब कटोरी में इस तरीके से जो है इसे छान लूंगी। अगर आपके पास प्लास्टिक की छन्नी है तो गर्म में ना करें, क्योंकि जो प्लास्टिक की छन्नी है वो पिघल जाएगी। तो ये मेरी छन्नी स्टील की है और काफ़ी बड़ी भी है, तो इसमें काफ़ी आ जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अच्छे से प्रेस करके अच्छे से छान लूँगी। तो अब देखिए जितने भी खुरचन है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, ज़रा भी उसमें घी नहीं गया है हमारा वेस्ट। तो ये देखिए कटोरे में इस तरीके से इतना हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी देर रख दूँगी, थोड़ा नॉर्मल होने दूँगी, फिर मैं इसे 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख दूँगी जो कि ये जम जाए। तो बाकी जो है शाम को देखेंगे आप 3-4 घंटे में क्या सीन होता है। और देखिए कढ़ाई देखिए बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है मेरी, और इजीली थोड़ा गर्म पानी करूँगी ना, अच्छे से साफ़ हो जाएगी ये। तो जी 4 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए इस तरीके से जम चुका है। तो ऊपर ये जितना भी है ये सारा का सारा घी है, तो इसको मैं अच्छे से कटोरी में निकाल लूँगी। और जब भी ये चीज़ बनाए ना, तो सबसे पहले ये वाला ही घी यूज़ करें। वैसे तो ख़राब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे रोटी में लगाना है या फिर सब्जी या जो भी कुछ करते हैं, तो पहले ये वाला घी यूज़ करें, फिर उसके बाद दूसरा घी यूज़ करें। तो अगर इसमें कटोरी में थोड़ा सा पानी है, तो आप इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है ना, एक ही मलाई से दो तरह के घी निकल गया। नहीं तो खुरचन तो वैसे अगर मिठाई वगैरह बनाते हैं तो काम में आ जाती है, नहीं तो कई लोग जो है उसे वैसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना जो घी है साथ में निकल गया है, तो कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। तो उस तरीके से पहले निकाल दिया है डब्बे में और इस तरह से कटोरी में। ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये आइडिया कितना कैसा टाइम लगा। हो गया, बाहर हो रही है बारिश बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तेज। अभी 7:30 या 7:45, 7:45 हो रहे हैं। हाँ 7:45 हो रहे हैं। और इसके पापा आए हैं, आज रिजल्ट है ना इसका, तो इसके लिए गिफ्ट लेके आए। दिखाओ, ये देखो इस तरीके से ना, ये मीहू की तरह एक छोटी सी डॉल है, जैसे मीहू है, और है इसकी गाड़ी। कितना प्यारा लग रहा है, देखो लो छोटी चला के दिखाओ यहाँ पर। होती ओ देखो धूप आई ना, तो ढक दो उसे। तो गिफ्ट भी मिल गया है और ये भी आ गए हैं। अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। चलो फिर मैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। हर तरह की वीडियो है मेरे चैनल पे, ब्लॉग्स भी हैं, कुछ सीखने को भी मिलेगा, मतलब काफ़ी कुछ है मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ 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 विजिट कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। और जो भी वीडियोज़ पसंद आए ना, उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ हाँ उछला मत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट बोल दो।